लो भाई यहाँ पर ट्रेडिशनल पूजा हुई है। अच्छा वेदर के लिए, अच्छा ट्रेनिंग के लिए। लाइन चेंज कर ले, इट्स ओके। देखो क्या कर रहे हैं बंदे। फिर हवा पे, ये भाई अपना टेंट है। ये भी हम 13,000 फीट के ऊपर हैं और कितना सुंदर प्यारा नजारा है। आज दिन खुला है थोड़ा, आज पहली बार दिखाया सभी है ना। इससे पहले फोग रहती थी, बिल्कुल भी नहीं दिखता था, या तो स्नोफॉल या व्हाइट आउट। आज क्लियर स्काई है, पर आज आई थिंक टेम्परेचर पहले से थोड़ा सा ज्यादा गिरा है क्योंकि ठंड ज्यादा लग रही है। अच्छा वेदर के लिए, अच्छा ट्रेनिंग के लिए, सेफ्टी के लिए प्रे करना है। ओके यस सर। अपना अपना धर्म से कोई चीज सुने, मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है ना, अपना अपना धर्म से कर। ये थोड़ा थोड़ा ले लो ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। ग्लोव्स निकालो, ग्लोव्स। ये तो हम चुकी कहाँ हो, मंत्र से जोड़ ले पढ़ने से। सो 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 की सो सो हा सो 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 की सो सो हा सो 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 लो भाई यहाँ पर ट्रेडिशनल पूजा हुई है, जिससे जो आज से हम ऊपर स्नोक्राफ्ट करेंगे उसमें अच्छे से वो सबका उसके लिए पूजा की गई है। तो भी अपना सारा सामान जो पैक किया वो उठाते हैं और फॉलिंग में मिलते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। सॉफ्ट स्नो के साथ पूरा यूज्ड टू होना है, सॉफ्ट स्नो में विद क्रैम्पन विदाउट क्रैम्पन कैसे चलना है, ठीक है। इवन स्मॉल थिंग्स मैटर्स इन माउंटेन, ठीक है। इवन ना ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स भी मैटर करता है माउंटेन में, राइट। इवन ना स्नो गगल्स, इवन ना होल्ड द वे यू होल्ड द आइस एक्स, ये भी मैटर करता है, ठीक है। ओके फर्स्ट लेट मी टेल यू आइस एक्स कैसे होल्ड करना है। ये ये सावल की और यहाँ पे थंब, पुट योर थंब हियर एंड जस्ट ग्रैब इट, ठीक है। एंड मैंने देखा किसी किसी ने ऐसे भी होल्ड करके रखा था, ठीक है। ये भी राइट ही है, ठीक है, ये रॉन्ग नहीं बोल सकते। साइड से आ जाओ, नहीं ये भाई ग्लेशियर की प्रैक्टिस चल रही है, देख सकते हो आप। हमारी रोप टू है, एक रोप वो है और एक रोप वो है। साइड से, साइड से विशाल, साइड कर थोड़ा, लाइन चेंज कर ले, इट्स ओके। दस भाई को देखो पूरा का पूरा फंसा हुआ है। कम ऑन विशाल, आ गया। लो भाई देखो क्या कर रहे हैं बंदे। चलो विशाल जी चलो, चलो सर, चलो चलो चलो। फिर हवा पे, ब्रेक कर रहा है, पहुंच दो भाई अब। नाइस ब्रो, नाइस नाइस। ओ भाई भाई पहुंच तो दो भाई विशाल। अब दूसरा टेक्निक, सब कुछ हो गया ना,
ये बीटिंग भी बोल सकते हो, बीटिंग टेक्निक भी बोल सकते हो, ठीक है, बीट करके करके ज़्यादा सॉफ्ट स्नो में बीट करके रूट ओपन करना है, बीटिंग बीट एंड मूव करना होता है, क्लियर है? क्लियर, ओके। अब दूसरा टेक्निक, बेसिकली ये टेक्निक हम हार्ड आइस में करते हैं, ठीक है, वॉल पे करते हैं, फ्रंट पॉइंट, ठीक है, फ्रंट पॉइंट। अभी सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐसा वाला आइस एक्स ये यूज़ करते हैं आप हार्ड आइस में, ठीक है, बेसिकली ये यूज़ करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे सॉफ्ट स्नो में, ठीक है। तो सिंपली नॉर्मल वॉक, जस्ट हिट योर फ्रंट पॉइंट, ठीक है, हिट योर टो, ठीक है, जस्ट अपाज ले, ज़्यादा पास नहीं मारना, ठीक है। बेसिक में ये आदत कर दिया, ये पास वाला ऐसा वाला न, ये आदत लग जाएगा फिर, ठीक है, बेसिक में जो करोगे वही आदत बस जाएगा फ्यूचर तक। तो अपाचर लेग, जस्ट हिट योर फ्रंट पॉइंट, जस्ट नॉर्मल वॉक, ठीक है, हिट योर फ्रंट पॉइंट, ये ठीक है, अगर ये जितना भी टेक्निक सीख रहे हैं वो अगर प्रॉपर सीख के जाओगे तो फ्यूचर में एक्सपीडिशन कहीं पे भी जाओगे ना तो कहीं पे भी काम आ सकता है जितना भी टेक्निक्स, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव अ क्लास ऑन रोपिंग अप, ठीक है, रोप अप, ठीक है। रोपिंग अप के लिए कौन कौन सा नॉट सीखा है? गाइडमैन, मिडिलमैन एंड एंडमैन। कितना था? गाइडमैन, मिडिलमैन एंड एंडमैन। गुड। एक रोप में हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 मैक्सिमम सेफ जगह पे, अदरवाइज 3, ठीक है। रोपिंग अप किस लिए? ग्लेशियर वॉक के लिए, ठीक है। ग्लेशियर में चल रहा है ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ग्लेशियर है, ठीक है। अगर जहाँ पे बड़ा ग्लेशियर है, जहाँ पे भी यू कैन फाइंड ट्रैवर्स, हिडन ट्रैवर्स है ना, बहुत डिफिकल्टीज होता है, वहाँ पे क्या करना होता है? रोपिंग अप में चलना है, हमेशा अकेले नहीं चलना है। रोपिंग अप में चलेंगे 3-4 बंदक, 3-4 मेंबर एक रोप में आ जाता है, ठीक है, रोपिंग अप में क्लाइंब होता है, ठीक है। बाई चांस कोई लीड क्लाइंबर या मिडल क्लाइंबर या लास्ट क्लाइंबर ट्रैवर्स में घुस गया तो क्या होगा? बाकी का क्लाइंबर उसका हेल्प करने, हाँ, रेस्क्यू करेगा, उसको चेक करेगा, उसका जो फॉल है उसका फॉल चेक करना है रेस्ट ऑफ द मेंबर को, क्लियर? यस सर। एंड हमेशा बी कॉन्शियस व्हाइल वॉकिंग ऑन द ग्लेशियर, क्लियर? यस सर। एकदम कॉन्शियस माइंड होना है हमेशा, कॉन्शियस एकदम। अरे थकान सबको होता है ना? Yes, sir. सब थकता है ना? लेकिन हमेशा ये दिमाग ठंड रखना है, कॉन्शियस रखना है, क्लियर? यस सर। ओके, रोपिंग अप करना है तो डब्लू पोजीशन, ठीक है, डब्लू या एम बोल सकते हो। ये क्या रहा? डब्लू। वो देखो क्या है, छोटा छोटा बैलेंस आ रहा है, देखो इधर देखो, अभी अभी उधर मत देखना है, देख लिया सर। ये क्या है? डब्लू डब्लू एम, ठीक है। ये क्या होगा? इक्वल लेंथ में ये बटेगा डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा? इक्वल इक्वल डिस्टेंस होगा। भाई अभी एक पीक पे जाना है, ये सामने पीक है, उसके लिए हमारा गाइडमैन ये है जो लीडर है, उसके बाद मैं हूँ और फिर पीछे पूरी टीम है, ये अलग अलग 2-3 टीम बनाई गई है, ये सभी जा रहे हैं। हल्का हल्का स्नो फॉल हो रहा है और उसको देख सकते हो आप क्या कर रहा हो। पंद्रह हजार फीट की हाइट पे लाइव स्नोफॉल में क्या मजे आ रहे भाई, क्या मजे आ रहे। देखो एक रोप वो है, एक ये है, एक ये, तीन रोप है और बारी बारी लीड कर रहे हैं, जैसे अभी सुनावनी ने लीड करा, रख के चले जाओ, चलो यार उसको वैसे रख के आ जाओ ना आप, चलो चलो ना, रोप वन रोप टू रोप थ्री, मजा आ रहा है बिल्ला, मजा आ रहा है बहुत, बिला वेट लगा रहा है। चलो
नहीं सर 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 इस तरफ आओ आप, हाँ इस तरफ आओ आप, मेरा ना वेट कम है, आप आ जाओ ना, आपको यहाँ पे ऊपर आना है। हेलो भाई भाई समर्थ आपको ऊपर आना है, आ जाओ फिर। लो भाई आज स्नोक्राफ्ट का पहला दिन था, मजा आ गया, लेकिन सारे कपड़े भीग गए, तो भी सारे कपड़े सुखा रखे हैं, देख सकते हो आप जो यहाँ पे ऐसे सूख रहे हैं। बाहर का मौसम, और बाहर का मौसम देखो भाई, दिखा यार एक बार मौसम दिखाना बाहर का, एक दो हाथ पैर बाहर रखे। पूरा सामने बता क्या चल रहा है, सामने चल रहा है टी टाइम, बंदा हमारा दोस्त चाय और बिस्कुट लेके खुद ही आएगा, अभी वो आ रहा भाई देखो, चाय ले लो चाय भाई दे दो। ये देखो ये हमारे दोस्त हैं, ये कह रहे हैं बंदा खुद मताब मैं ही आ रहा हूँ तेरे पास भाई। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा, देख भाई और साथ में बिस्कुट सबको बांट दिए। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। तीन तीन बिस्किट आ गए भाई, मजा आ गया यार, मजा।